देखते हैं तो सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो जनरली हम लोग अगर मुझे देखना है तो ये इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। अभी तक चूंकि जो हम लोगों ने आर्डिनो में पूरा जो भी चीज़ें डिवाइसेस की इंटरफेसिंग करी, जैसे हमारे पास में आर्डिनो बोर्ड था और हमारे पास में लेफ्ट तरफ यहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस के लिए 0 से लेके 13 तक की पिन्स मेंशन थी, यहाँ पे A0 से लेके A5 तक की पिन मेंशन थी और उस पर हम लोग डायरेक्टली एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस को कनेक्ट करके चला के देख रहे थे, डायरेक्ट कनेक्शन डिजिटल और एनालॉग पिन्स के ऊपर। तो ये अभी तक किया, बट अगर मुझे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को ये देखना है कि हमको इन टाइप की डिवाइसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करना है जिसमें जैसे एक तरफ तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है या एक तरफ तो हमारा आर्डिनो बोर्ड है और दूसरी तरफ भी लेट से अपने आप, और आर्डिनो बोर्ड के अंदर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर है, तो दूसरे एंड पे भी लेट से इसी टाइप का कोई डेवलपमेंट बोर्ड है और उसमें भी शायद एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और इन दोनों माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो कंट्रोलर के बीच का कम्युनिकेशन करवाना है मुझे। मतलब इसको माइक्रो कंट्रोलर को हमने डे वन को कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर्स आर सिंगल चिप कंप्यूटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स आर सिंगल चिप कंप्यूटर्स, तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो कंट्रोलर का कम्युनिकेशन या कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन अगर करवाना है तो मुझे जो है इसके लिए अलग से एक तरीकों को देखना पड़ेगा। और ये जो कम्युनिकेशन, मतलब ये जो ट्रांसमिट डेटा ट्रांसमिट रिसीव है, इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये हम लोग को अचीव करवाना है और वो हम लोग अचीव करवाएंगे जो टॉपिक आज देख रहे हैं हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। अब इसको देखने के पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है। तो पहली बात हम लोग कम्युनिकेशन देखेंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका हो गया, एक मीडियम हो गया। जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन और एक होता है सीरियल कम्युनिकेशन। एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, एक होता है सीरियल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब कि मुझे लेट से हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, अगर ये लेट से 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब 8 बिट का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है और 8 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकता है, तो अगर मुझे 8 बिट किसी दूसरे वाले माइक्रो कंट्रोलर पे भेजना है तो मुझे 8 अलग अलग पिंस की जरूरत पड़ेगी सेंड करने के लिए। ये रिसीव 8 अलग अलग पिंस पे करेगा और ये जो है 8 बिट ट्रांसमिट हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पहले के जमाने में आपने देखा हो जो डिवाइसेस आती थी जिसमें बड़े बड़े कनेक्टिंग वायर्स लगे हुआ करते थे, जिसमें ढेर सारे वायर्स होते थे, वो जो है उसके अंदर 16 बिट का कम्युनिकेशन करना, 16 वायर्स कम्युनिकेट करना पड़ते थे। तो ये क्या था, बहुत बल्कियर था और इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था और रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे यहाँ पे हमारे पास में। तो ये जो पूरा की पूरा कम्युनिकेशन पहले के समय में काम आता था। अब जो है यहाँ पे सेकेंड टाइप का कम्युनिकेशन जो है, इसको सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसको हम लोग बिट बाय बिट कम्युनिकेशन बोलते हैं। बिट बाय बिट कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे 8 बिट जो है वो एक साथ ट्रांसमिट होकर इधर रिसीव होगी, है ना। हो सकता है उसके कारण थोड़ी सी स्पीड थोड़ी ज्यादा फास्ट हो, बट उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ज्यादा है, बल्कियर है, कॉस्टलियर है, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बिट बाय बिट कम्युनिकेशन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास में अगर एक माइक्रो कंट्रोलर नंबर 1 है, दूसरा हमारे पास में माइक्रो कंट्रोलर नंबर 2 है, तो ये जो है इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो 2 पिन के माध्यम से होगा। अगर इसको इस सेंड करना है डेटा तो इसकी TX एक ट्रांसमीटर पिन रहेगी और वो जो है इसमें भी सामने वाले में भी TX रहेगी और एक RX रहेगी। तो अगर इसको ट्रांसमिट करना तो ये अपने TX पिन को ट्रांसमिट करेगा और ये अपनी RX पिन से रिसीव करेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर मुझे 8 बिट सेंड करनी है तो ये एक एक करके 8 बिट जो है लाइन बाय लाइन एक एक करके यहां से ट्रांसमिट होती जाएगी, एक एक करके रिसीव होती जाएगा, जिससे अननेसेसरी मल्टीपल कनेक्शन, उसके कारण कॉस्ट और रिसोर्स का जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। तो हम लोग जो है कम नंबर ऑफ जिसको बोल सकते हैं पिंस के ऊपर डेटा का एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बिट बाय बिट कम्युनिकेशन, एक के बाद एक कम्युनिकेशन जो है उसको हम लोग
सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो भी एडवांस डिवाइसेस हैं वो जनरली इन्हीं टाइप इसी सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी मार्केट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके पास में आपने नाम सुना हो GSM का नाम सुना होगा, GPS, ये अपने मोबाइल फोन के अंदर का जो पूरा सर्किट उसको GSM बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमारे मोबाइल फोन कार के अंदर रहता है, ZigBee वायरलेस कम्युनिकेशन है, RF एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, Wi-Fi एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ एक RF वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये सभी जो है फिंगरप्रिंट मॉड्यूल जो रहता है आपने जो देखा होगा अटेंडेंस के लिए काम में आता है ना, RFID का नाम सुना होगा आजकल, ऑटोमेटिक टोल टैक्स जो है टोल नाका जो रहता है वहां पे कार के ऊपर लगाए जाते हैं, ये मैक्सिमम डिवाइसेस जो है ये कहीं ना कहीं सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। तो अगर हम सीरियल से हमको सीखना क्या है इस टॉपिक के अंदर, ये सीखना है कि अगर लेट से मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले डिवाइस को तो प्रोग्रामिंग हम करेंगे नहीं, तो बनी बनाई डिवाइस आएगी, तो अगर मैं यहाँ प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मुझे सामने वाली डिवाइस पे डेटा सेंड करना सीखना है, इस डिवाइस पे सेंड कैसे करेंगे वो डेटा सीखना है, सेंड मतलब ट्रांसमीटर पिन जो है इसके रिसीवर पे डेटा कैसे सेंड करेगी, सेंडिंग सीखना है, और ये जो डेटा इधर से भेजेंगे उसको रिसीव कैसे करना है वो सीखना है। ये दो चीजें जो है वो मुझे करना सीखना है इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो कैसे होगा उसको भी मैं आपको आगे वाले उसके अंदर बताता हूँ। स्पेसिफिकली चूंकि हम लोग आर्डिनो का प्रोग्राम समझ रहे हैं, तो आर्डिनो के प्रोग्राम के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला सिनेरियो जो है, पहला प्रॉब्लम या पहला प्रोग्राम जो है हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें हमारे पास में ये आर्डिनो बोर्ड है, लेट से हमारे पास में ये आर्डिनो बोर्ड है और इसमें ये LED लगी हुई है, एक LED लगी हुई है हमारे पास में, और इस LED को हम जो है अपने लेट से डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप भी एक कंप्यूटर है, तो उसको भी हम लोग उससे भी डेटा ट्रांसमिट रिसीव करना है, तो मुझे जो है इसी को यूज करना पड़ेगा, सीरियल कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ेगा। तो इसका चूंकि डेस्कटॉप से हम प्रोग्राम तो इसमें डालते ही है, तो USB केबल हमारे पास में ऑलरेडी रहती है, तो हम ये करना चाहेंगे कि हम यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे जो कीबोर्ड है, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप बोल दो उस पे जो कीबोर्ड है, यहाँ पे हम A प्रेस करें तो यहाँ पे LED जो है वो ऑन हो जाए, यहाँ पे हम B प्रेस करें तो LED जो है वो ऑफ हो जाए। अभी ये जो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच का रहेगा वो USB केबल के थ्रू रहेगा, बट अगर आपको इन दोनों के लिए वायरलेस करना है तो यहाँ पे कोई भी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी मैंने जो बताई 4-5 उसका जो भी ट्रांसमीटर है उसका ट्रांसमीटर आप यहाँ लगा दोगे और इसका रिसीवर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रिसीव मॉड्यूल जो है वो रिसीवर, इसका ट्रांसमिट इसके रिसीवर से कनेक्ट होके वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। प्रोग्राम जो वायर के अंदर है और वायरलेस के अंदर रहेगा वो सेम रहेगा, प्रोग्राम विल बी सेम फॉर वायरलेस एंड वायर्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये चूंकि प्रोग्राम जो है यहाँ पे बना रहे हैं, हमारा प्रोग्राम किधर बन रहा है, इस साइड पे बन रहा है, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यहाँ पे मुझे रिसीव करने का प्रोग्राम जो है वो सीखना है, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो लेट्स से मैंने एक LED कनेक्ट कर दी, इसको LED को मैंने 12 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक वॉइड सेटअप लगाया, वॉइड सेटअप के अंदर जो है मुझे क्या करना है, ध्यान देना, मुझे यहाँ पे सबसे पहली बात तो पिन मोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने पिन मोड किसका पिन मोड, LED का पिन मोड जो है आउटपुट डिफाइन कर दिया, मतलब इस पिन पे सिग्नल को भेजूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करनी है, वो है कि सीरियल जो कम्युनिकेशन है इसको इनिशियलाइज करना है, मुझे सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करना है। उसके लिए आर्डिनो के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है बिगिन नाम से, जैसे LCD के अंदर एक बिगिन नाम का फंक्शन था, LCD.begin यूज करा था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग को एक कीवर्ड है सीरियल, कैपिटल S के साथ में serial.begin, और इसके अंदर जैसे LCD के अंदर हमने 16.2 लिखा था, वहां पे LCD का जो आपके कॉलम्स और रोज को मेंशन किया था, यहाँ पे हम लोग जो मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम बॉड रेट मेंशन करेंगे। बॉड रेट क्या होती है, बॉड रेट इज नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड थ्रू सीरियल पोर्ट इन 1 सेकेंड, जिसको हम लोग बिट्स पर सेकेंड बोल सकते हैं, कितने बिट्स पर सेकेंड जो है ये, मतलब हम यहाँ मेंशन करेंगे प्रोग्राम के अंदर कितने बिट्स पर सेकेंड डेटा का ट्रांसमिट रिसीव होगा। तो चूंकि यहाँ पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसका नाम है सीरियल मॉनिटर करके एक सॉफ्टवेयर रहेगा,
उस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे हम ट्रांसमिशन का बॉड रेट सेट कर देंगे और जो यहाँ पे सेट करेंगे उसी को यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो जनरली जो बॉड रेट रहती है वो बहुत सारी स्टैंडर्ड बॉड रेट अवेलेबल है, जैसे 1400, 2800, 4800 है ना, फिर 9600, ऐसे अलग अलग टाइप की बॉड रेट। उसमें 9600 जो है वो एक स्टैंडर्ड बॉड रेट अवेलेबल होती है, तो मैं यहाँ पे 9600 सेट कर दूंगा। जिससे क्या होगा, ये ट्रांसमिशन साइड पे भी मैं कंप्यूटर में सीरियल मॉनिटर पे वही बॉड रेट, यहाँ पे तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सीरियल डॉट बिगिन 9600 मेंशन कर दूंगा। अगर आपके पास में सामने कंप्यूटर नहीं है और एक ऐसी पहले से बनी हुई डिवाइस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो उस डिवाइस का बॉड रेट आपको पता करना पड़ेगा कि वो डिवाइस का बॉड रेट क्या है, और वही आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो आप पूछोगे सर बॉड रेट कैसे पता करेंगे, तो जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हो तो उसके साथ में उसकी डेटा शीट आती है, उस डेटा शीट के फर्स्ट पेज पे ही आपको जो है बॉड रेट मेंशन की जाती है। वो बॉड रेट आपको पढ़ना है और उसको आपके प्रोग्राम के अंदर मेंशन करना है। अब क्या हो गया, ये सीरियल जो है वो इनिशियलाइज हो गया, माइंड यू सीरियल का एस कैपिटल ए ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अलावा जो है मैं वॉइड सेटअप से वॉइड लूप पे जाऊंगा। वॉइड लूप के अंदर मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में डेटा को रिसीव करना सीखना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए भेजूंगा, कंप्यूटर से ए भेजेगा जो भी, उसको मुझे ए को रिसीव करना आना चाहिए और ए पे रिसीव होने पे एलईडी ऑन हो जाना चाहिए। बी कोई भेजेगा अगर, तो यहाँ पे एलईडी ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि सीरियल जो है वो एक पोर्ट है, मतलब वो एक दरवाजे के समान है, जब कोई डेटा आएगा तभी मैं उसको रीड करूंगा और रीड करने के बाद में उसको पहचानूंगा कि वो ए है या बी है और उसके हिसाब से एलईडी बन चालू करूंगा। तो सबसे पहला काम जो है मैं यहाँ पे करूंगा, एक इफ लगाऊंगा, यदि इफ, अपन ने जो सी का स्टेटमेंट पढ़ा था इसमें हम लोग चेक करेंगे एक सीरियल के अंदर एक बहुत अच्छा सा अवेलेबल नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, अवेलेबल नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है जो कि ये बताता है कि कोई डेटा सीरियल पे अवेलेबल हुआ है क्या। अवेलेबल नाम का फंक्शन एक नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने क्या करा, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन जीरो चेक कराया, मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कोई ना कोई डेटा आया, तो ये कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा। जब ये डेटा आएगा तभी ये अंदर आएगा, अंदर आएगा तो मुझे क्या करना है, एक्चुअली में डेटा को रिसीव करना है और वहां से आने वाला डेटा किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल बना दिया जेड नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, z इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीरियल से डेटा को रीड करो, क्योंकि अब डेटा आ चुका है तो उसको रीड करना पड़ेगा, तो रीड नाम का फंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा सीरियल डॉट रीड, और वहां से आने वाली वैल्यू जो है वो रॉ फॉर्मेट में होगी। उसको चूंकि ये जो है ये ए को ए के फॉर्मेट में नहीं भेजेगा, इसका ASCII कोड भेजेगा जिसका नाम है 65, है ना, वो इंटरनल जो उसका कोड रहता है, तो उसको कन्वर्ट करना है वापिस आपके ए और बी और जेड के अंदर। तो उसको कैरेक्टर, ये आगे ब्रैकेट में अगर मैं कैरेक्टर लिख दूंगा तो वो कोड को 65 कोड को वापिस ए में कन्वर्ट कर देगा और जेड के अंदर स्टोर कर देगा। जेड नाम का वेरिएबल, कैरेक्टर जेड नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया। अब ये जो कैरेक्टर जेड नाम का वेरिएबल मेरे प्रोग्राम के अंदर है, इसके अंदर अल्टीमेटली ए आया होगा या बी आया होगा या कोई सा अलग कैरेक्टर आएगा, अब इसी को मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ इसके अंदर ही ये वॉइड लूप यहाँ चालू हुआ, उसके अंदर इफ चालू करा, उसके अंदर एक और इफ लगाया और मैंने चेक करा जेड इज इक्वल टू ए है क्या। अगर जेड के अंदर ये सिंगल कोट्स लगाया मैंने, सिंगल कोट्स के अंदर ए है क्या, तो अगर ए है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपकी एलईडी को चालू करना है मुझे, तो इसके अंदर इफ को मैं चालू करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई पूरा लिख लेना, एच लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका मैंने इफ को यहाँ पे बंद कर दिया। ऐसे ही मैं एक और इफ लगाऊंगा नीचे, इफ जेड इज इक्वल टू बी, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे ए बी सी डी एफ जी जितने आपको रिसीव करना है उस पर क्या क्या काम करना है वो आपके हिसाब से इफ लगाते जाओगे। जैसे जैसे इफ लगाते जाओगे वहीं पे उसको बंद भी करते जाओगे। जैसे ये वाला इफ जो चालू हुआ है ये यहाँ चालू होके यहाँ पे बंद हुआ है, वैसे ही ये वाला अब जो ये खत्म हो जाएंगे सब इफ, तो मैं इस वाले इफ को यहाँ पे बंद कर दूंगा और सबसे बाद में वॉइड लूप को सबसे आखिरी में सबसे नीचे बंद करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीविंग का, रिसीव करने का जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा उसको मैंने आपको बताया। ये जो है अभी प्रोग्राम जो बना है वो प्रोग्राम कैसे बना है, ये वाला प्रोग्राम बना है, ये वाला प्रोग्राम मतलब जिसमें हम लोगों ने आपके
रिमोट एंड से डेटा को यहाँ पे रीड करना सीखा, कैसे रीड होगा। तो ये पूरा की पूरा प्रोग्राम आपका जो है उसी टाइप से बनता है, वॉइड सेटअप यहाँ चालू होके यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमको चला के देखना है कि कैसे ये चलेगा, ठीक है। अब अगर मुझे ट्रांसमिशन का प्रोग्राम बनाना है तो ट्रांसमिशन का प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो मुझे अगर ट्रांसमिशन का प्रोग्राम मतलब क्या होगा कि मुझे मेरे पास में ये आर्डिनो बोर्ड है, इस आर्डिनो बोर्ड में माइक्रोकंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे आपने लेट से एक सेंसर लगा दिया, यहाँ पे सेंसर कोई भी हो सकता है, चाहे वो IR सेंसर हो, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो, टेम्परेचर सेंसर हो, ह्यूमिडिटी सेंसर हो, कोई सा भी सेंसर लगा दिया, लेट से S1 नाम दे दिया। इस S1 नाम के सेंसर की वैल्यू जो है ये माइक्रो कंट्रोलर पे यहाँ पर रीड होगी और इस सेंसर की वैल्यू को अल्टीमेटली मुझे यहाँ से ट्रांसमिट करके आपके डेस्कटॉप के ऊपर, चूंकि अभी हमारे पास में डेस्कटॉप है तो इस डेस्कटॉप के ऊपर मुझे सेंड करना है और यहाँ पे मुझे इसको फिर देखना है, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जो है वो मैं देखूंगा। और वो अगेन वही वाला जो सॉफ्टवेयर आपके पास में सीरियल मॉनिटर करके जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको मैं देख पाऊंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोड क्या बनाना है, ट्रांसमिट करने का कोड बनाना है कि सेंसर की जो वैल्यू मेरे पास में आ रही है या आ गई है उसको मैं रिमोट एंड पे कैसे भेजूं, ठीक है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे मुझे जो है वही प्रोग्राम जो है, जैसे मुझे अगर मैंने एक सेंसर लगाया S1 नाम से, इसको लेट से A0 पे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसके साथ में मैंने वॉइड सेटअप लगाया है ना, वॉइड सेटअप के अंदर मैंने सीरियल डॉट बिगिन कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था एनालॉग पिन का आपको जो है सीरियल पिन मोड डिफाइन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए आप जो है इसको आपने सेटअप को यहाँ पे बंद कर दिया। अभी अगर और डिवाइसेस होती तो उसके पिन मोड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते। अब मुझे वॉइड लूप में आया मैं और अब मुझे इसकी वैल्यू को भेजना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से और मैंने इसकी वैल्यू जो है रीड कर ली, ए इज इक्वल टू एनालॉग रीड, हमारे पास में फंक्शन अवेलेबल था पहले आपको बताया था एनालॉग रीड S1 की वैल्यू को रीड करो और काय में स्टोर कर दो ए के अंदर। अब ये ए की वैल्यू अगर मुझे भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, तो देखना सीरियल से भेजने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट नाम से यूज करेंगे और इसके अंदर अगर डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू लिखूंगा तो वो एज इट इज वहां पे जाके प्रिंट हो जाएगी। तो लेट से ये S1 नाम का सेंसर जो था टेम्परेचर सेंसर था, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ temp is equal to, तो ये temp is equal to वैसे के वैसे वहां जाके प्रिंट हो जाएगा, कहाँ पे, ये सीरियल मॉनिटर पे जाके temp is equal to वैसे प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद में temp is equal to के बाद में क्या प्रिंट करना है, सेंसर की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा सीरियल डॉट प्रिंट ln मतलब न्यू लाइन पे जाए, ये temp is equal to आ जाए, उसके नीचे नई लाइन पे जाए, मतलब प्रिंट करने के बाद में नई लाइन पे जाए और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, ए की वैल्यू, चूंकि टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ में आई है, ए के अंदर, तो मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दी। अब अगर आपको ये, चूंकि ये वॉइड लूप बार बार चलेगा, हर सेकंड के अंदर ढेर सारी टाइम्स चलेगा, तो मुझे अगर हर सेकंड के अंदर वैल्यू भेजना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया डिले 1 सेकंड का और इसके बाद में आपका वॉइड लूप जो है वो यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें वॉइड सेटअप यहाँ चालू के यहाँ पे खत्म हुआ, वॉइड लूप जो है वो यहाँ चालू के यहाँ पे खत्म हुआ। तो इससे आपने क्या करा, सेंसर्स की वैल्यू लेते जा रहे हैं और यहाँ से आप जो है उसको सेंड यहाँ पे टेम्प के जो आपको एज इट इज भेजना है वो एज इट इज भेज दिया और किसी वेरिएबल की वैल्यू भेजना है तो विदाउट डबल कोट्स आप लिखेंगे तो वो वेरिएबल कंसिडर करेगा और ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू को वो वहां पे भेज देगा। कहाँ पे भेजेगा, सीरियल मॉनिटर पे, यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर खुलेगा उस सॉफ्टवेयर में आपको जो वैल्यू आते हैं यहाँ पे दिख जाएगी, हर सेकेंड के अंदर एक एक वैल्यू आते दिख जाएगी है ना, तो वो आर्डिनो के अंदर जो है हमको दिखेगा। आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर हम लोग खोलेंगे वहां पे टूल्स में जाके सीरियल मॉनिटर जो है वो आपको खोलना होगा और उस सीरियल मॉनिटर के अंदर जो है वो डेटा, ये वाला कोड जब आप चला देंगे, कोड डाल देंगे आर्डिनो के अंदर, तो वहां पे उसको खोल के वहां पे ऐसा सॉफ्टवेयर जो आता है वो ऐसा आता है, ट्रांसमिट के लिए आपको जो है इसी एक ही सॉफ्टवेयर में दोनों काम हो पाता है। तो अगर आपको जो कंप्यूटर से सेंड करना, मतलब पहला वाला जो कोड चलाना है, तो जैसे आप यहाँ पे ए लिख देंगे कंप्यूटर के साइड पे और सेंड का बटन दबा देंगे तो वो सेंड का बटन यहाँ से यहाँ पे सेंड कर देगा और फिर इसको रिसीव करके आपकी एलईडी यहाँ पे चालू होती हुई दिख जाएगी। और जो ये वाला कोड अपन ने बनाया सेकंड नंबर वाला कोड, उसके लिए आपकी जो वैल्यू आप यहाँ से भेज रहे हैं यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, temp is equal to 36, फिर temp is equal to जो भी आपने टेम्परेचर कनेक्ट करा, सेंसर लगा हुआ है, जो भी सेंसर लगा, अभी यहाँ पे टेम्प लिखा हुआ तो इसलिए टेम्प आएगा,
तो वो यहाँ पे बार बार हर सेकंड के अंदर वैल्यू आती जाएगी। और यहीं पे ही नीचे जो है आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा जहां पे आप बॉड रेट को सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऐसा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे 9600 का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये एक ही सॉफ्टवेयर से, ये जो सॉफ्टवेयर आपका जो मैंने बताया, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, सीरियल मॉनिटर जो है, ये आपको आर्डिनो के अंदर प्रीबिल्ट मिलता है, टूल के अंदर जाके सीरियल मॉनिटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको दोनों को चला के देख लो इसी प्रोग्राम को, और चला के आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करके पहला वाला प्रोग्राम जो मैंने बताया, ये वाला प्रोग्राम भी चला के देख लो और ये वाला प्रोग्राम भी चला के देख लो, और डाउट आए तो मेरे को लिख के भेजो।